अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के इन तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट का पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री में हमेशा दोस्तों मिलती रहे। तो साथियों, आज के वीडियो में सबसे पहली जो खबर साथियों आ रही है वो दोहा इंटरनेशनल यानी हमद एयरपोर्ट से आ रही है। तो साथियों, दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वहां पे एक इमरजेंसी एक्सरसाइज का प्रोग्राम वहां पे रखा गया था दोस्तों। फ्लाइट वगैरह की वहां पे किसी तरह का दोस्तों ट्रेनिंग वगैरह होता है, उसी को लेकर इमरजेंसी एक्सरसाइज कहा जाता है, जिसका पूरा नाम कहा गया है फिप फुल स्केल इमरजेंसी एक्सरसाइज। तो वो साथियों लगभग वह बिल्कुल वहां पे कंप्लीट हो चुका है। तो कुवैत एयरपोर्ट और डीसी की तरफ से दोस्तों ये अनाउंसमेंट किया गया है। बताया जा रहा है दोस्तों लगभग वहां पे 300 पर्सनल फ्रॉम वेरियस एजेंसी डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट। इसमें लगभग 300 से भी ज्यादा दोस्तों जो पर्सनल जो एजेंसीज वगैरह होती है उन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अब दोस्तों इसमें क्या क्या किया जाता है इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों मैं शॉर्ट में आपको बता दिया हूँ। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही साथियों वो आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। तो कतर की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो हेड है जिनका नाम है शिखा हिंद बिन हमद अल थानी, वो आज के दिन दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के जो एजुकेशन के जो सेक्रेटरी है मेन है उनसे आज मुलाकात की गई, जिनका नाम है नदीम जोखाई, यूके सेक्रेटरी स्टेट ऑफ एजुकेशन ऑन एजुकेशन सिटी। तो एजुकेशन सिटी में दोस्तों उनके मुलाकात की गई और दोनों देशों के बीच में और भी अच्छी डेवलपमेंट के बारे में, दोनों देशों इकोनॉमी के बारे में इस मुद्दों पे बातचीत की गई और एजुकेशन के बारे में ढेर सारे मुद्दों पे बातचीत की गई। वहां के स्टूडेंट कतर में कैसे आए और कतर के स्टूडेंट यूनाइटेड किंगडम पढ़ने के लिए कैसे जाए इसके बारे में ढेर सारी बातचीत की गई। अगली खबर की ओर साथियों चलते जो कि बहुत ही बड़ी खबर है। तो साथियों जैसा कि आप लोगों को पता है एक जून 2022 कल के दिन स्टार्ट हो चुका था। तो मैंने आपको कुछ दिन पहले ये बताया था कि 1 जून से लेकर लगभग दोस्तों आपको 15 सितंबर तक वहां पे जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट है यानी ओपन एरिया है या आउटडोर एरिया है वहां पे काम करने की मनाही होती है। ये गवर्नमेंट के तरफ के हुक्म होता है, ऑर्डर होता है, हर साल ये दोस्तों अनाउंसमेंट की जाती है। तो 10 बजे सुबह से लेकर 3:30 बजे किसी को वहां पे काम करने की अनुमति नहीं होती है। तो इसको लेकर दोस्तों वहां पे अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया और बहुत सारे फैक्ट्रियों में कंस्ट्रक्शन साइट में जाके मिनिस्ट्री के तरफ से और लेबर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के तरफ से दोस्तों वहां पे चेकिंग वगैरह की गई, जिनमें से दोस्तों अभी तक तो मतलब कल के दिन 24 घंटा में एक भी ऐसा केस नहीं पाया गया है जो कि इसके बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते हैं। पर इसके बारे में दोस्तों सभी वर्करों को जाकर इसके बारे में अवेयरनेस के बारे में बताई गई कि गर्मी में काम करने से पैसा कमाने के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, गर्मी से काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। इसके बारे में जगह जगह जाकर सभी को अवेयरनेस यानी दोस्तों जानकारियां दी गई। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही पब्लिक अथॉरिटी ऑफ असगाल की तरफ से आ रही है। पब्लिक अथॉरिटी ऑफ असगाल की तरफ से दोस्तों अनाउंसमेंट किया गया है कि टेम्प्रोरी बंद किया जाएगा स्पोर्ट हॉल इंटरसेक्शन जो है जिसे विलोजियो इंटरसेक्शन कहा जाता है, जो कि अलवाब स्ट्रीट से लेकर पड़ता है राइट टर्न जुमा के दिन, यानी दोस्तों कल से 10 घंटे के लिए 2 बजे तक ये बंद रहेगा। तो जो भी इस रास्ते से आप जाते थे तो रास्ते से बिल्कुल भी मत जाइएगा क्योंकि रास्ता दोस्तों आपको बंद मिलने वाला है। ये पब्लिक अथॉरिटी वसगाल की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो कतर के प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर इंटीरियर शेख खालिद बिन अब्दुल अबुल खलीदा साहब की तरफ से आ रही है। दोस्तों कतर के जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो आज के दिन जो नया बिल्डिंग बना है फजा पुलिस अल फजा पुलिस उसको लेकर दोस्तों एक नई बिल्डिंग वहां पे बनाई गई है। तो वो बिल्डिंग को ओपनिंग के लिए और वहां पे विजिट किया यानी दोस्तों उस बिल्डिंग को देखने के लिए कतर के प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पे पहुंचे और लोगों से पुलिस वालों से वहां पे बड़े बड़े अधिकारियों से वहां पे मुलाकात की गई। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही साथियों वो आ रही है कतर की तरफ से। बहुत ही दोस्तों वहां पे दुख को व्यक्त किया गया क्योंकि इसराइल में एक जर्नलिस्ट थी जिसका नाम था गुफरान वर्से, उनका दोस्तों वहां पे इसराइल पुलिस के द्वारा उनकी उनके साथ गलत किया गया, हत्या किया गया, जिसकी वजह से उनके तरफ से वहां पे कॉन्डोलेंस किया गया है। तो ये कुछ खबरें थी दोस्तों। यदि कोई भी आपके मन में सवाल हो, कोई जानकारी चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझसे वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक।